जाएंगे। चायो भैया चायो रे छोटी सी ओ बसती ओ आवाद पूरी सी लागे हे रे 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 दांगल वाड़े का जब भर वायो गुलाबी रंग छायो रे छोटी सी ओ बसती आवाद पूरी सिला रे आरे रे 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 होले होले रे 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 ओ बोलो झेलो रे 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 छोटी सी ओ बसती आवाद पूरी सी ओ लागे रे 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 हेलो हेलो आपके बीच में बनवा के उनका स्वागत कर Thank you.
रामायण का जाना पहचाना प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है सज्जनों। दुष्ट रावण को मार करके और माँ सीता को लेकर के भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं। अयोध्या में राज्याभिषेक होता है सज्जनों उनका, और एक अच्छे राजा का काम है कि वो अपनी प्रजा को हर हाल में खुशहाल रखे, उसके सुख दुख को समझे। सज्जनों, राम राज्य का आज भी नाम लिया जाता है और उस पर राजनीति भी होती है, लेकिन राम राज्य वास्तव में क्या है ये भगवान श्री राम ने बताया। गुप्तचरों के माध्यम से भगवान राम को पता चलता है कि किस तरह से एक धोबिन के एक रात किसी कारणवश बाहर रह जाने पर और उसको धोबी उल्हाना देता है कि वो तो भगवान राम है कि सीता जी इतने दिनों रावण के यहाँ रह के आई फिर भी उनको रख लिया और उस धोबिन का परित्याग कर देते हैं। सज्जनों, भगवान राम को इस बात का पता चलता है, हालांकि आप सब जानते हैं और भगवान श्री राम को भी पता था। रामायण जी में भी ये प्रसंग आया है कि जब तक करूं निसाचर नासा और तुम पावक में करो निवासा। सज्जनों, जब भगवान श्री राम ने राक्षसों का विनाश किया तो अग्निदेव को मां सीता को समर्पित कर दिया था, और दुष्ट रावण जो सीता जी का अपहरण करके ले गए थे वो मायावी सीता थी, लेकिन फिर भी भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। आप और हमारे लिए उन्होंने मर्यादाएं तय की, रिश्तों की एक सीमाएं तय की, और उस मर्यादा को रखने के लिए सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री राम ने माँ सीता को वनवास का हुक्म दे दिया। सज्जनों, छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश देते हैं और वहां का दृश्य कैसा बनता है आगे चौपाई के माध्यम से आपको बताएंगे। आरी तो ये हुक्म दियो हो श्री राम ने, आरी देखो सीता को वनवास, अरे तो ये विकट रूप अरे हो गए और सिया को नहीं जीवन की आस, अरे तो ये नहीं जीवन की आस हो भटकती डोल रही रे सीता वन में। कैसे? अरे मेरी छाती फाटी, ओ जी मेरी छाती फाटी, अरे जाय नाथ अरे मैं कैसे धीर धरूं मन में। तो सज्जनों, इस प्रकार जब छोटे भाई लक्ष्मण माँ सीता को उस वियावान जंगल में छोड़ जाते हैं, माँ सीता विलाप करती हुई वहां का दृश्य कैसा बनता है आगे चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें। Me
निकालो। अरे अरे मेरो पाई दो सपिया दो दे दियो देश निकालो। माँ सीता के उस रुदन को सुन करके और बियाबान जंगल में महर्षि वाल्मीकि वहां आ जाते हैं और माँ सीता को अपनी कुटिया पर ले जाते हैं। माँ सीता
दो बालक को जन्म देती है, उनका नाम लव और कुश रख दिया जाता है। माँ सीता की पहचान छुपा ली जाती है सज्जनों, और लव और कुश का लालन पालन महर्षि वाल्मीकि कुटिया में उनके सानिध्य में सारी विद्याओं में उनको निपुण बना दिया गया। और किस तरह से महर्षि वाल्मीकि माँ सीता को उस कुटिया में समझाते हैं, कैसे धैर्य बंधाते हैं सज्जनों, सुकुमारी से हो सिया सुकुमारी से अरे एक जनक दुलारी से गुरु ने बताई सारी बात सिया सुकुमारी से ओ के जनक दुलारी से गुरु ने बताए सारी बात सिया सुकुमारी सुके मारी से ओ के जनक दुलारी से गुरु ने बताए सारी बात सिया सुकुमारी से आहो के जनक दुलारी से गुरु ने बताई सारी बात अरे दुलारी से गुरु ने बताए सारी बात सिया अहो के जनक दुलारी से गुरु ने बताई सारी बात अरे सुंदर लाल तुम्हारे हैं अजब गजब बलधारे बलधारे गुरु ने बताई सारी बात सिया सुकुमारी गुरु ने बताई सारी Yeah.
इस प्रकार लव और कुश का लालन पालन महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में उनको हर विद्या में निपुण बना दिया गया और उधर क्या होता है सज्जनों, अयोध्या में क्या होता है कि भगवान राम एक अश्वमेध यज्ञ की रचना करते हैं। आप सब जानते हैं जो भाई रंग में भंग डाल रहे हैं, निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर आप पधारे हैं तो जैसा भी टूटा फूटा, भगवान राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की रचना करते हैं। विश्व विजय का घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़े के गले में संदेश कि जो भी उसको रोकता है पकड़ता है उसको भगवान राम की सेना से युद्ध करना होता है। सज्जनों, भगवान राम सबको बुलाकर और किस तरह भरे दरबार में और क्या उसकी तैयारी करते हैं, उसमें गेग की वहां की शोभा कैसी बनती है, आगे चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें। आए Yeah.
बहुत ज्ञान परम सम्मानीय श्रोतागण, इस प्रकार अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ की रचना की जाती है और विश्व विजय के घोड़े को उस बियावान जंगल में लव और कुश दोनों भाई पकड़ लेते हैं। घोड़े के गले में भगवान राम की चुनौती, भगवान राम का संदेश, उसको पढ़ते हैं। लेकिन लव और कुश को नहीं पता कि अयोध्यापति भगवान श्री राम हमारे पिता हैं। तो सज्जनों, चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और भगवान राम की सेना, सेनापति शत्रुघ्न की अगुवाई में पहुंचती है, लेकिन सारी सेना को परास्त कर देते हैं। और वहां का दृश्य कैसा बनता है, आगे चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें। लव और कुछ किस तरह से बात करते हैं, आरे बन बीच भैया हो बन, आरे बीच भैया करे माती शो हो बन, हो बन पीत भैया करे माती शो Yeah.
ज्योति पे जोर भैया करे माती शोर, ओ भैया करे माती शोर, भैया करे माती शोर, बन हारे सोने ले कुमार तो से कहूं बार बार शत्रु घन पहरेदार माती करे बासे बैर सुने ले कुमार तो से कहूं बार बार शत्रु खानु पहरेदार माती करे बासे बैर हेलो 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 रे सब जग में मेरा हुक्म चले घने घोर भैया करे माती शोर ओ भैया करे माती शोर बजरंगी लवे कुश को बंदी बन गोरे रे दिख मोहित हो गो बजरंगी लवे कुश को बंदी बन गोरे अरे अरे दिख मोहित हो गो बजरंगी लवे कुश को बंदी बन गोरे अरे सामने लखन दते अरे सामने लखन दते भगवान अकेलो फड़ गोरे मोहित हो गो बजरंगी लवे कुश को बंदी बन गोरे मन के जाकर कागो चारू मेरे धर पड़ने मेरे छोड़े बाण दड़ादर जंगल में सीता का दोनों शेर छोड़े बाण दड़ा जंगल में सीता का दोनों शेर लगन कभी रहे रे के बाण पताड़ो खायो रे धरन में डटा भारी होगी हेड छोटा छोटा सा सारे एक बारो मान घमंड दियो कोल कटक दियो बजारे रविवर आयो हो दौड़ो आयो हो रे रे प्यारू मेरे सजब सन्नाटो छायो रे हे रविवर भाग्यो दौड़ो आयो रे कुछ भारी तापड़ तोड़े रे दिन तोड़ो घर दूर राम तू क्यों मुख मोड़े रे लव कुछ भारी तापड़ तोड़े रे अरे शर्म में क्यों मुख मोड़े अरे शर्म नहीं आई रे तेरा कर दऊ काम तमाम अरे हरे जाई रे अब ऐसा बल ओ भाई रे भोत राम के थायो अब तू देख मन वो कूद समर में आगे सीता तो मन में घबरागे कूद समर में आगे सीता तो मन में घबरागे भेद सटा तो भूले रघुवर से बाल में एक बोले भेद सटा तो खोले है रघुवर से बाल में लरे नाथ सुन मेरी रे लव कुश है दो संतान राम जी सीता ससवंत जनक सुता निर्दोष सुनो मेरी आवत पति अपने अंतिम चरण में सज्जनों युद्ध क्षेत्र में
लव और कुश की युद्ध कला को देख करके और हनुमान जी मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है और अपने आराध्य देव भगवान श्री राम को याद करते हैं कि हे प्रभु यदि मैंने सच्ची भक्ति की हो तो इन बालकों के माता पिता का दर्शन मुझे होना चाहिए। वो क्या देखते हैं कि सामने भगवान राम और सीता की तस्वीर उभर कर आ जाती है। समझ जाते हैं ये दोनों बालक भगवान श्री राम की संतान है। तो लड़ने के बजाय सज्जनों उनके युद्ध कौशल पर मोहित हो जाते हैं और उनके बंदी बन जाते हैं। भगवान राम की सारी सेना जब हार मान जाती है, स्वयं भगवान राम युद्ध क्षेत्र में आते हैं और जब पिता पुत्र आमने सामने होते हैं सज्जनों, उस अनर्थ को देखकर महर्षि वाल्मीकि वहां आ जाते हैं, माँ सीता आ जाती हैं और महर्षि वाल्मीकि भगवान राम को सारा वृत्तांत बनाते हैं। हे प्रभु, ये दोनों बालक और कोई नहीं, ये आपकी संतान है। सज्जनों, इतना सब कुछ होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ये भी बताते हैं कि किस तरह माँ जो सीता है वो सत्यवती हैं। लेकिन सज्जनों, हमारा जो समाज है ये शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है और ऐसे आयोजन हमारे यहाँ रोज होते रहते हैं, लेकिन इन आयोजनों से प्यार प्रेम के अलावा एक चीज जो हम हर प्रसंग से हमको देखने को मिलती है, कुछ न कुछ शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। सज्जनों, इन कथाओं के, इन वृत्तांतों के हम प्रत्यक्षदर्शी कोई नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि किस तरह से भगवान राम के सामने माँ सीता को दोबारा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और माँ सीता धरती की गोद में समा जाती हैं और तीनों लोकों के मालिक भगवान राम वहां विलाप करने लगते हैं क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लिया है। हम सीख सकते हैं, आज भी हमारे बहुत से भैया बहन जो हैं वो देखते हैं आत्महत्या कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, जबकि पति और पत्नी का जो रिश्ता है एक विश्वास का रिश्ता है। विश्वास है तो प्रेम है, विश्वास नहीं तो वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। तो हम उम्मीद करते हैं पत्नी से कि वो सीता की तरह पतिव्रता हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमको भी उसके लिए भगवान राम की तरह आदर्श पुरुष बनना होगा। सज्जनों, इसी संदेश को एक दोहे के माध्यम से कहते हुए और कन्हैया अपने अंतिम चरण में, अरे तो ये प्रेम और अरे विश्वास है भैया, और भाई जीवन का आधार, अरे तो ये बिना प्रेम और विश्वास के वो भाई नहीं जीवे मैं सार, तो नहीं जीवे मैं सार, वो बतोरे दुनिया की झूठी बातन से, अरे है नहीं एक का वो जी, है नहीं एक का, अरे काम बजेगी वो भाई ताली रे दोनों हाथन से। तो सज्जनों, वहां का दृश्य कैसा बनता है आगे चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें। हेलो, हेलो, रे रे आरे रे रे धरती ओ पाट गाई सोले ओ हाथ समा गाए, ओ सीता रे ओ दस रात को बेटा ले ले ओ हिल की ओ रो
आरे रे 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 होले रे 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 ओ बोलो जे लो रे 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 ओ दास रात को बेटा ले रे 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 दारातियो फाट गाई सोले हात समा गाय सीता रे ओ दास रात को बेटा ले ले ओ हिल की ओरो कहानी कर।